वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्क की बिलखसूस कराची की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को कराची की सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा कानूनी टीम साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक काबीना को आगाह भी करेगी। वफाकी काबीना इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने की टाइमलाइंस और बेंचमार्क तय होंगे। काबीना इजलास में कराची में बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म कराची में नालों की सफाई, पानी की फराहमी और निकासी आप पैकेज पर बात करेंगे। काबीना को मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा चेयरमैन CDA काबीना को मालगला रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना इजलास में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर और मुल्तान में बुलंद इमारतों की तामीर पर बात की जाएगी। काबीना मंजूरी के बगैर सरकारी तकर्रियों से मुतालिक काबीना को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।